आज बिहार जिला मुंगेर प्रखंड जमालपुर पंचायत इटहरी गांव पैरू मंडल टोला इस गांव के राकेश पोद्दार बताते हैं कि हमारे गांव में लगभग 4000 की जनसंख्या है और पिछले 10 वर्षों से हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधाएं नहीं है। पूरे गांव में एक ही ट्रांसफार्मर है जिसके बाद लो वोल्टेज का परेशानी आता है और फिर उसके बाद परेशानी ये है कि हम लोग के यहाँ कहीं भी तार सुरक्षित नहीं है, कहीं भी तार नहीं फैला हुआ है, ना पोल है ना तार है, इसकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। ऐसा स्थिति है कि 1660 कंज्यूमर नंबर जो है लास्ट पोल पड़ता है, वहाँ पर पोल गिरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया था और लगभग 6 महीना हो चुका है। कई बार गए ऑफिस में, बोला कि ठीक है जाएंगे ठीक कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आता है ठीक करने के लिए। वो तो आप देख ही चुके हैं कि कितना 5 फीट के हाइट पर मौत बिजली का तार है। बिजली के बारे में तार गिर गया है, झरक गया, भगवान भरोसे मरना बचाना वाला। ये कब हुआ आपके साथ, कितना दिन पहले की बात है? 5-6 साल। हम तार बिजली भी यूज नहीं भी किए तब पर भी हमको 7184 रुपया का बिल आया है। अच्छा, कितना घर होगा यहाँ पे जिनके घरों में बिजली नहीं है? 100 के लगभग घर है कि अभी तक बिजली भी नहीं है। और क्या क्या परेशानी होती है आपके गांव में? परेशानी यही होती है कि जब लोग शाम के टाइम खाना बनाने का वक्त आता है तो बिजली नहीं रहती, और लालटेन वगैरह जलाने के बाद बहुत दुर्घटना घट जाती है, जैसे कच्चे मकानों में आग लगने का खतरा हो जाता है, बहुत तरह के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। हम तो यही आशा करेंगे विभाग से कि वो आके ठीक कर दे जितना जल्दी हो सके, जिससे कि नुकसान होने से बच जाए। तो ठीक है, हम आपके बिजली ऑफिसर से मिलने जाएंगे और बात करने के लिए बिजली मांग की बात करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ चलेंगे? हाँ, जाने के लिए तैयार है। मैं चाहती हूँ इस गांव में भी बिजली की सुविधा जल्द से जल्द हो और इन ग्रामीणों का भी बिजली से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए आप बिजली अधिकारी के इस नंबर पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। नंबर है 9279531147। मैं बिहार मुंगेर से शीला शेख, इंडिया अनहर्ड के लिए।